नमस्कार, आप देख रहे हैं रितम और मैं हूं आपके साथ सौम्या श्री। मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग में भारत काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। समझा जा रहा है कि जल्द ही देश को मोबाइल फोन आयात करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एप्पल, सैमसंग और गूगल जैसी बड़ी कंपनियों ने भारत में अपने प्रीमियम फोन बनाना शुरू कर दिया है। अब लगभग सभी मोबाइल फोन भारत में ही बनाए जा रहे हैं। यहाँ तक कि चीन की कंपनियां भी भारत में ही फोन बनाना पसंद कर रही है। भारत जल्द ही अपनी जरूरत के सभी मोबाइल फोन्स का आयात करने के बजाय स्थानीय स्तर पर ही उत्पादन कर सकता है। दरअसल एक रिपोर्ट आई है जिसके आधार पर ये अनुमान लगाया जा रहा है कि भारत मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग का दुनिया में ग्लोबल सेंटर बनने जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि इकोनॉमिक्स टाइम्स में इसी रिपोर्ट के आधार पर छपी खबर के मुताबिक भारत में स्थानीय स्तर पर उत्पादन में वृद्धि के कारण आयात की आवश्यकता पहले से ही काफी कम हुई है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में बिकने वाले लगभग 99% मोबाइल फोन अब यहीं पर बनाए जा रहे हैं। जो 1% फोन आयात किए जा रहे हैं वो भी जल्द ही देश में ही बनाए जाने की प्लानिंग है। स्मार्टफोन निर्माण में एक क्रांति भारत को न केवल आत्मनिर्भर बना रही है बल्कि देश को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में भी स्थापित कर रही है। रिपोर्ट में एक उद्योग विशेषज्ञ ने अनुमान लगाया है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंत तक स्मार्टफोन आयात की मांग घटकर केवल 0.25% रह जाएगी। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 तक भारत में बेचे गए कुल स्मार्टफोन्स में से केवल 3% आयात किए गए थे, जिनमें ज्यादातर आईफोन प्रो मॉडल और गूगल पिक्सल शामिल थे जो अब भारत में ही निर्मित हो रही हैं। वहीं इस पूरे मामले पर भारत सेलुलर और इलेक्ट्रॉनिक संघ के अध्यक्ष पंकज मोहिंद्रू का कहना है कि हमें 100% घरेलू उत्पादन हासिल करने पर गर्व है, लेकिन हम यहां रुकने वाले नहीं हैं। हम $500 बिलियन के इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात के लिए एक कॉस्ट कम्पिटेटिव मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन में बदले। इस रिपोर्ट के आधार पर कहा जा रहा है कि चीन लंबे समय से मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग का ग्लोबल सेंटर रहा है, लेकिन भारत की बढ़ती मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी उसे सीधे चुनौती दे रही है। कई कंपनियों ने चीन में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को बंद कर भारत में प्रोडक्शन शुरू किया है। भारत की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, सस्ती लेबर कॉस्ट और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव जैसी योजनाओं ने भारत को ग्लोबल कंपनियों के लिए एक अट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग हब बना दिया है। अब ये बात तो साफ है कि अब भारत मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग का हब बन रहा है। रिपोर्ट के अनुसार देश में ग्लोबल फोन का घरेलू उत्पादन तेजी से बढ़ रहा है और आयात की जरूरत पहले से काफी कम हो गई है। ये बदलाव न सिर्फ भारतीय टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी के लिए काफी अहम है बल्कि ग्लोबल मार्केट में भी इसका बड़ा असर दिख रहा है। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें। रितम मीडिया की नई ऐप आ गई है। जी हाँ, देश की उभरती हुई बहुभाषी मल्टीमीडिया रितम ऐप का नया वर्जन लॉन्च कर दिया है। इस नए अपडेट के साथ मिलेंगे आपको ढेर सारे मजेदार फीचर्स। जैसे ही आप ऐप खोलेंगे आपको सबसे ताजी खबरों का सेक्शन लेटेस्ट न्यूज मिलेगा। इसमें आप देश दुनिया की हर खबर PIH और देख सकते हैं। साथ ही दिस डे इन हिस्ट्री में जानिए इतिहास की खास बातें। रितम मीडिया ने खास आपके लिए TV और वेब सीरीज सेक्शंस जोड़े हैं। अब देखिए अलग अलग न्यूज चैनल्स और मजेदार कहानियाँ। और हाँ, सिटीजन जर्नलिज्म को बढ़ावा देने के लिए वीडियो सेक्शन भी है। यहाँ आप अपने इलाके की बातें सब तक पहुँचा सकते हैं। खासकर महिलाओं और युवाओं के लिए भी अलग अलग टैब्स हैं जो उनकी पसंद और जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। तो अब इंतजार कैसा, फटाफट गूगल प्ले स्टोर या iOS पर जाइए और रितम ऐप डाउनलोड कीजिए। सबसे पहले पाइए अपडेटेड न्यूज़।